कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के नाम दुकानों के आगे लिखना जरूरी बनाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी है। आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एमपी, उत्तराखंड और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, फैसले तक इस आदेश पर रोक लगा दी है। दुकानदारों को सिर्फ ये लिखना होगा कि वो शाकाहारी खाना या फिर मांसाहारी खाना देते हैं। यूपी सरकार ने दुकानदार के नाम के साथ साथ स्टाफ का नाम भी लिखना जरूरी कर दिया था। इसके बाद उत्तराखंड ने भी यही किया था। जो कांवड़ यात्रा का रूट कवर करते हैं वो राज्य, उन पर यह आदेश आया था। अब एमपी के उज्जैन के नगर निगम ने भी यही आदेश लागू कर दिया था। अभी तीन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ते दूसरे राज्यों के नाम जोड़ेंगे तो उन राज्यों को भी नोटिस दिया जाएगा। 25 जुलाई तक तीनों राज्यों को नोटिस का जवाब देना होगा। इसी दिन अगली सुनवाई है। सृष्टि ओझा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो सृष्टि, विस्तार से जो अंतरिम आदेश आया है उसके बारे में बताइए, उसके बाद जो तीसरा राज्य एमपी जोड़ दिया है वहां के नगर निगम ने भी ऐसा आदेश दिया, अब इस नोटिस पर इन तीनों राज्यों को जवाब देना है और इसी पर अगली सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी करने की अनुमति कोर्ट ने दी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। इसके साथ ही ये छूट भी दी है याचिकाकर्ताओं को कि अगर कोई और इस रूट पे आने वाली कोई और स्टेट है जिसे वो पार्टी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उस स्टेट को अपने आप ही नोटिस का जो जवाब है अगली सुनवाई तक देना होगा। जहां तक कि अंतरिम आदेश की बात की जाए, याचिकाकर्ताओं ने ये कोर्ट के सामने ने रिक्वेस्ट रखी थी कि अंतरिम एक ऑर्डर जरूर पास करे कोर्ट इस मामले में, क्योंकि जो यात्रा है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पहला कारण ये बताया था। और दूसरा ये कि कई ऐसे लोग हैं जो इन दुकानों में काम कर रहे हैं जिन्हें उन दुकानों के ओनर्स के द्वारा नौकरी से निकाला गया है, तो जितना टाइम ये चीज ऑर्डर जो है चलता रहेगा उतनी ही ज्यादा लोग है इस ऑर्डर से इफेक्ट होंगे। अंतरिम ऑर्डर में कोर्ट ने साफ किया है कि जो आदेश पहले जारी किए गए थे कि जो शॉप ओनर्स हैं या जो ढाबा चलाते हैं, जो फल बेचते हैं, उन सबको अपने शॉप पे अपनी आइडेंटिटी और जो उनके काम करते हैं अपने एम्प्लॉयज की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना होगा, वो उन आदेशों पे कोर्ट ने आज रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक जो शॉप ओनर्स हैं उन्हें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, एक डिटेल है जो अपने शॉप्स पे लिखनी होगी, वो ये कि क्या वो किस तरीके का खाना वो है अपनी दुकानों पे बेच रहे हैं, शाकाहारी खाना है या नहीं। ये इसलिए क्योंकि कोर्ट के सामने ये बात रखी गई थी कि जो इस यात्रा पे यात्री आते हैं वो सिर्फ श्रवण का जो एक होली महीना होता है इसमें जब यात्रा करते हैं तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाने की उन्हें अनुमति होती है, सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खा सकते हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना था कि अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप चाहते हैं कि यात्रियों को पता चले कि इस दुकान पे सिर्फ जो वेजिटेरियन खाना है वो मिलता है, तो उसके साथ आपको शॉप ओनर या फिर जो उनके यहाँ काम करते हैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सीधे सीधे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे प्रोविजन्स हैं उनसे जोड़ा है याचिकाकर्ताओं ने। ये कहा है कि जो निर्देश जारी किए गए हैं पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा ये सिर्फ भेदभाव करने के लिए है और छूत अछूत की भावना को बढ़ावा देंगे, क्योंकि एक या दो माइनॉरिटीज नहीं लेकिन काफी माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उनके खिलाफ एक तरीके से जाता है और उनके जो हक हैं, जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके भी खिलाफ जाता है। तो फ्राइडे को इस मामले में और सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन इस बीच रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ गए हैं, देहरादून से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले रवीश, आपका रुख करते हुए, एमपी सरकार को क्या जरूरत थी ऐसा आदेश पास करने की, क्यों वहां से तो कांवड़ यात्रा का कुछ लेना देना नहीं है, वहां पर यह आदेश क्यों आया था? सबसे पहले तो मैं आपको सही कर दूं नेहा, मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया है जिस तरीके का आदेश उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया है। मध्य प्रदेश में अब तक दुकानों के बाहर नाम निकले को लेकर के सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और अभी मध्य प्रदेश सरकार को भी समझ में नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है, सुन लेते हैं। दोबारा फ्राइडे को सुनवाई होगी, उससे स्टेट्स को रिप्लाई देना है। हम शुरू से कह रहे हैं कि आर्टिकल 17 का वायलेशन है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है बीजेपी, क्या है तमाशा ये, आप कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं?
से कांवड़ यात्रा में यकीनन चल रही है, चलते रहेंगे, मगर आप एक ही समुदाय को टारगेट करते हैं और जिसके नतीजे में कई होटल छोटे होटल ढाबों से आप मुसलमान एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाए, आम की मंडी पर नाम लिख के लगाएंगे। अब बताइए आप क्या है, तो पूरे तो जो हिटलर ने काम किया था वही काम आप यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो पवित्रता है इस पूरे कांवड़ यात्रा की पवित्रता रमजान में रोजेदार की नहीं है, क्रिश्चियंस की ईस्टर में वो लोग फास्टिंग करते हैं, उसमें नहीं है। आप होते कौन है, आप किसी रिलीजन को डिसाइड करने वाले कौन है? ये देश समुदाय रिलीजन से चलेगा या संविधान चलेगा?